तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक वीडियो लेके आया हूँ मैंने। वीडियो है W4 का, जो किसी कस्टमर ने होगा किसी से ख़रीदा था। नई मशीन थी, कोई दुकान से ख़रीदा था। ये उसका निडल बार, टूटा हुआ मिला। नई मशीन फ्लैट लॉक का, तो हमने उसका निडल बार चेंज किया। और जो मैंने अभी तक जितनी इंस्टॉलेशन की है मशीन, और जो उसमें परफॉर्मेंस था, कहीं ना कहीं धागा कभी टूट जाता था सुई का, कुछ दिक्कत होती थी थोड़ी बहुत, लेकिन हमने जब उसको अच्छे से किया तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि आगे वीडियो देखिए आप, बहुत बेहतरीन अच्छा लगा बिल्कुल। और इसमें मैंने निडल बार चेंज करके जो इसका फिनिशिंग दिखाने की कोशिश की, इसमें थ्री निडल में किस टाइप की फिनिशिंग दे सकते हैं। बॉटम हेमिंग टी शर्ट के लिए भी ले सकते हैं, बस लोअर में या कहीं पे स्विंग कॉस्टिंग बना रहे हैं हमने, तो उसमें क्या जिगजॉग ऊपर में भी आना चाहिए। थ्री निडल्स 5 थ्रेड में पूरा चलता है उसमें। स्विंग कॉस्ट्यूम हो गया, जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम हो गया, या फिर कुछ अच्छे जिम के जो वेयर्स होते हैं बनते हैं उनमें, खास करके वो योगा के लिए जो बनती है उनके खास के जो स्टिचिंग होती है उसमें ऊपर भी जिग जॉग चाहिए नीचे भी, तो मैंने उसके लिए एक इसमें थोड़ा सा झलक दिखाया है। इस टाइप की स्टिचिंग आप इसमें भी ले सकते हो आसानी से और बहुत अच्छे से। तो देखिए, ये वीडियो है, हमने इसमें निडल बार चेंज किया और सेटिंग करके प्रॉपरली ओरिजिनली, और इसमें हमने चला के दिखाया कस्टमर को। कस्टमर भी खड़ा है, लेडीज है, जेंट्स दोनों में अभी भी। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं वीडियो क्या खास है। ये हमने इसका निडल बार टूटा हुआ था, नया निडल बार डाल दिया है, सेटिंग कर दिया है नए निडल बार डाल के, ठीक है। ये है, अभी हमने ट्रायल दिया, ये नीचे की फिनिशिंग है भैया जी, मुझे क्या। अब हमारा क्या स्टैंड ऐसा आड़ा चला, दिखा दे स्टैंड, ये ट्रायल का स्टैंड है हमारा। यहाँ पे क्या इलास्टिक वगैरह सभी मशीन को ट्रायल देना पड़ता है जी, उस हिसाब से हमने बनाया है, ठीक है जी। अब देखो, मैंने निडल बार भी चेंज किया जी का, फिनिशिंग देखो बहुत बढ़िया है। और 3 धागे में जी, राइट। अभी खाली भी चलाएंगे ना, अरे जी इसके यहाँ से काट सकते हैं, फिनिशिंग जब सिलाई भी देते बीच की सुई निकालनी पड़ती है, ठीक है जी। उधर से थोड़ा सा धागा उठा रहा हूँ, हमारे पास थोड़ा धागा कम ज़्यादा हो रहा है। अभी देखो नट धागा है, फिनिशिंग भी देखनी पड़ेगी क्या ला, ये ऊपर की और ये नीचे की है, बढ़िया। टाका बड़ा करूं क्या, इतने रखूं कौन सा, ये टाके को छोटा बड़ा करूं क्या, इतने रखूं तो वो बड़ा हो। लेकिन लेकिन ऊपर का ऐसा फिनिशिंग चला रहा है तो ये बारीक में अच्छा लगता है, हैं ये अभी जैसे लोअर ओवर मारना है आपको, उसके लिए टी शर्ट में यहाँ पे डिजाइन कंस्ट्रक्शन करना है, कच्ची पक्की। अगर जैसे आपको सिर्फ ये चाहिए तो ये एक सुई खोल देने का और उसका धागे को लपेट के रखेंगे, रख देने का ऐसा, हाँ इन सब सुई देखिए, अभी इसका धागे को यहीं पे कहीं यहाँ पे लपेट देना है ऐसा, बीच वाली सुई का सुई खोल लीजिए और उसका धागा निकाल लीजिए, एक धागा कम कर दीजिए। जैसा ये आपके टी शर्ट पर जो है ये 2 सिलाई वाला, हाँ Thank you.
आ रहा है और नीचे जाली बन रही है, देखो ना पलटा के, ये क्या है ये देखो, हाँ बढ़िया, ये बॉटम हेमिंग के लिए टू स्टिचिंग जी, अरे बराबर जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो उस कलर का धागा डाल दो, आपका बॉटम ऐसे सेम आ जाएगा, बस इतना है कि धागा यहाँ से निकालिए, क्या हिलना नहीं चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। ये है, हमने स्टिचिंग कर दिया है तीन नीडल में भी, और ऊपर का झिकझॉक भी दिखा दिया, ऊपर बॉटम के लिए ये भी दिखा दिया है, और इसको पलटा के भी दिखा देते हैं। ये देखो ये नीचे का हो गया, और नीचे का ये थ्री नीडल वाला भी हो गया, टू नीडल वाला भी हो गया, ये हमने पूरा दिखा दिया है। ये खाली भी चला मशीन, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जाली बन के निकलेगा, ठीक है ना। शुरू से स्टार्टिंग से हमने तीन नीडल में भी चला के दिखा दिया। ये भैया, ये भैया हमारी दुकान। दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अरे एक बार यहाँ तक देखने के लिए उसका धन्यवाद आप लोगों को।